हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WH फैमिली वर्ड हाउ मच के बारे में। हाउ मच जिसका मतलब होता है कितना या कितनी, जो किसी अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगणनीय संज्ञा के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि हाउ मच का यूज कैसे किया जाए। अगर आप भी हाउ मच के यूज को सीखना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको हाउ मच से क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह है हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ मच से क्वेश्चंस बनाने के बारे में, हाउ मच से क्वेश्चंस पूछने के बारे में। तो हाउ मच से मतलब हाउ मच जिसका मतलब होता है कितना या कितनी, से प्रश्न कैसे बनाए जाएं या प्रश्न कैसे पूछे जाएं, है ना। तो ये दोस्तों, ये हाउ मच है ना, अनकाउंटेबल नाउंस के लिए यूज किया जाता है, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे कितना ईमानदार, वो कितना ईमानदार है, मतलब हाउ मच ऑनेस्ट इज ही, ऐसा। वो कैसे बनाएंगे हम ध्यान देंगे, पर वो कितना ईमानदार, अब ईमानदार उसको गिना नहीं जा सकता। जैसे मतलब राम के पास कितना टैलेंट है, कितना टैलेंट, तो ये टैलेंट जो है ना दोस्तों, उसको गिना नहीं जा सकता। जैसे टीचर के पास कितना नॉलेज था, कितना नॉलेज, तो इस नॉलेज को गिना नहीं जा सकता। तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितना पैसा, तो ये पैसा जो है ना दोस्तों, इसको गिना नहीं जा सकता। ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है। जैसे मनी, ये मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे नॉलेज, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब अनकाउंटेबल, इसको गिना नहीं जा सकता। जैसे कितना एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको गिना नहीं जा सकता। जैसे कितनी शुगर, कितनी शक्कर, तुम्हें कितनी शक्कर चाहिए, तो ये शुगर जो है ये मटेरियल नाउन है, इसको भी गिना नहीं जा सकता। अब जैसे मतलब राम कितना दूध लाने वाला है, कितना दूध मतलब हाउ मच मिल्क, तो ये मिल्क जो है ये मटेरियल नाउन है, जिसको गिना नहीं जा सकता। वह कितना पानी पी रहा है, कितना पानी मतलब हाउ मच वाटर, ये जो वाटर है ना दोस्तों, ये मटेरियल नाउन है, जिसको गिना नहीं जा सकता। मतलब हाउ मच के आगे जो भी नाउन लगेंगे ना दोस्तों, वो सब अनकाउंटेबल होंगे, उनको गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, ऐसे नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सके, है ना। अब देखिएगा जरा, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। हाउ मच मनी, तो ये मनी जो है उसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये हाउ मच के साथ आया हुआ है। अब ये हाउ मच के साथ कोई ना कोई पहले नाउन आएगा, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव पैटर्न बनता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे WH वर्ड्स हैं जिनके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, पहले उन वर्ड्स के बाद नाउन आएगा और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। जैसे हाउ मच, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आता है। हाउ मेनी, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही। फिर हूज, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही। विच, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही। इन विच, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आता ही है। ऑन विच, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आता ही है, है ना। बाय विच, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आता ही है। बाय हुम, और उसके बाद कोई नाउन, बाय हूज, उसके बाद कोई नाउन आता ही है। तो ऐसे कुछ WH वर्ड्स है जिसके बाद नाउन्स लगने से वो पर्टिकुलर लगते हैं कि हाँ वो क्वेश्चंस बने हैं। ऐसा नहीं है कि वो नाउन लगना ही चाहिए और वो कंपलसरी है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें हाउ मच के साथ नाउन नहीं आता, कुछ होते हैं ऐसे, लिमिटेड होते हैं, लेकिन सबके साथ आता ही है, क्योंकि हाउ मच यहां पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, आगे में पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, इंटरजेक्शन हो, कंजक्शंस हो, प्रीपोजिशंस हो, इसमें डिटेल में वीडियोस बनाने वाला हूं। तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो डिटेल में वहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं। देन हाउ मच एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है। हाउ मच हैव यू, तुम्हारे पास कितना है। How much has he? उसके पास कितना है। So how much यहाँ पर interrogative pronoun के रूप में भी काम करता है। तो interrogative pronoun क्या होता है, हम pronoun के वीडियो में बात करेंगे। Interrogative adjectives क्या होते हैं, हम मतलब ये adjectives के वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर से मैं ये बताऊंगा कि how much से questions कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा, how much एक WH word है, लेकिन इसके बाद इसमें कोई ना कोई noun आएगा ही, क्योंकि ये यहाँ पर interrogative adjective के रूप में काम करता है। तो इसके बाद कोई ना कोई noun आएगा। ये noun, इसकी विशेषता बताता है ये वर्ड कि पैसा, लेकिन पैसा है तो सही, मतलब कितना पैसा, मतलब पैसे को भी डिफाइन किया जा रहा है। तो ये जो हाउ मच है ना, ये एडजेक्टिव का काम करता है इस नाउन के लिए। तो इस हाउ मच के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, ये हाउ मच के बाद कोई ना कोई नाउन, हाउ मच के बाद कोई ना कोई नाउन। तो आप ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, या हाउ मच के बाद कोई ना कोई नाउन लगेगा।
हम चाहे तो नाउन ना भी लगाए, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे नीचे लिख दूंगा जिसमें नाउन ना भी लगाए तो भी हाउ मच से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने यहां पर मैक्सिमम नाउन वाले क्वेश्चंस लिए हैं। अब जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम सडन क्वेश्चन कैसे बनाए, उसमें मैं बताऊंगा कि हाउ मच से हम डायरेक्ट विदाउट नाउन भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब यहां पर हाउ मच के बाद कोई नाउन जोड़ेंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव पैटर्न आएगा। कैसे समझते हैं, हाउ मच मनी डज राम हैव, राम के पास, अभी ये जरा समझना, हाउ मच मनी इसको हटा दो अभी, है ना, डज राम हैव। अब दोस्तों ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम जानते हैं WH फैमिली वर्ड से जब क्वेश्चंस बनता है तो WH फैमिली वर्ड के बाद जो भी आएगा वो इंट्रोगेटिव पैटर्न ही आएगा, तभी वो क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं होता। तो WH फैमिली वर्ड कोई भी हो, व्हाट हो, व्हेन हो, व्हाई हो, वेयर हो, विद हुम हो, है ना, कोई भी हो, हाउ मच हो, हाउ मेनी हो, हाउ फार हो, हाउ लॉन्ग हो, हाउ अर्ली हो, हाउ सून हो, हाउ लेट हो, तो कोई भी वर्ड आए उसके बाद डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। तो ये हाउ मच मनी के बाद भी जो आएगा वो इंट्रोगेटिव आना ही चाहिए, तभी वो क्वेश्चन लॉजिकल हो। So, does Ram have? इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहां does लगा हुआ है और have भी है, मतलब ये to have वाला pattern है, verb of to have वाला, verb of to have का present का interrogative, does Ram have? क्या राम के पास है? अब किस चीज के बारे में बात हो रही है, अभी तो नहीं बता सकते इस क्वेश्चन को सुनकर। does Ram have? क्या राम के पास है? अब देखो, how much money? कितना पैसा, अब उसको जोड़ दो, क्या राम के पास है कितना पैसा, राम के पास कितना पैसा है, इसका मतलब हो गया। सो हाउ मच मनी डज राम हैव, क्या राम के पास है, और इसका मतलब होता है कितना पैसा, दोनों को कंबाइन कर दो, राम के पास कितना पैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच नॉलेज, इसको हटा दो अभी, मतलब इसको गायब कर दो, हाउ मच नॉलेज को, ठीक है, हाउ मच नॉलेज डज टीचर हैव। अब ये डज टीचर हैव को देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, Does teacher have, क्या टीचर के पास है, ये उसका मतलब है, क्या, क्या से बनेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, क्या टीचर के पास है ना, कोई भी चीज के बारे में बात हो रही है। How much knowledge, कितना नॉलेज, इसका मतलब क्या हुआ, टीचर के पास कितना नॉलेज है। सो हाउ मच नॉलेज डज टीचर हैव, टीचर के पास कितना नॉलेज है। आगे देखिए दोस्तों, हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू वॉन्ट टू गेन, तो पहले हाउ मच एक्सपीरियंस को अलग करते हैं दोस्तों, हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू वॉन्ट टू गेन। अब देखो दोस्तों, यहां डू लगाया हुआ है और ये वॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, सो डू यू वॉन्ट टू गेन, सो डू यू वॉन्ट टू गेन, ये है डू प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव। डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो, टू गेन, गेन करना, पाना चाहते हो, क्या तुम पाना चाहते हो, क्या तुम गेन करना चाहते हो, क्या, हाउ मच एक्सपीरियंस, अब क्या तुम गेन करना चाहते हो, क्या तुम पाना चाहते हो, क्वेश्चन है आगे, हाउ मच एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस, तुम कितना एक्सपीरियंस पाना चाहते हो, ये उसका पूरे का सेंस निकल गया। आगे देखिए, हाउ मच ऑनेस्टी, हाउ मच ऑनेस्टी, तो इसको भी अलग कर दो, है ना। अब इसके बाद का देखिए, डज शी कीप इन हर वर्क, डज शी कीप इन हर वर्क, अब इसमें डज लगा हुआ है दोस्तों, और डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आया हुआ है कीप, कीप का मतलब होता है रखना, Does she keep, क्या वह रखती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव, Does she keep, क्या वह रखती है, इन हर वर्क, उसके काम में, क्या वह उसके काम में रखती है। अब ये इसका मीनिंग तो आपको अधूरा लग रहा होगा, तो इसके आगे जो क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा उससे उसका मीनिंग पूरा लगेगा। अब देखिए कैसे, Does she keep in her work, क्या वह उसके काम में रखती है, क्या वह उसके काम में रखती है, अब क्या, How much honesty, कितनी ईमानदारी, मतलब क्या हुआ, क्लू, मतलब उसको कंबाइन किया तो वह उसके काम में कितनी ईमानदारी रखती है, क्वेश्चन हो गया, वह उसके काम में कितनी ईमानदारी रखती है। आगे देखिएगा दोस्तों, हाउ मच नेम एंड फेम, अब देखो हाउ मच नेम एंड फेम, तो अभी हाउ मच और नेम और फेम को थोड़ा सा अलग कर लो, डू दे वॉन्ट टू गेट, अब इसको देखो, डू दे वॉन्ट टू गेट, दोस्तों यहां पर आया डू, डू के बाद आया कोई सब्जेक्ट और फिर वॉन्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है। सो डू दे वॉन्ट, क्या वे चाहते हैं, टू गेट, पाना, क्या वे पाना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे क्या वे पाना चाहते हैं, ये तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ, तो आपको समझ में कैसा आएगा, वो आगे वाले क्वेश्चनिंग वर्ड से, डू दे वॉन्ट टू गेट, क्या वे पाना चाहते हैं, हाउ मच नेम एंड फेम, कितना नाम और शोहरत, वे कितना नाम और शोहरत पाना चाहते हैं, क्वेश्चन हो गया, वे कितना नाम और शोहरत पाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाउ मच मिल्क आर यू गोइंग टू ब्रिंग, तो पहले हाउ मच मिल्क को अलग कर दो और फिर बचे हुए सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए, आर यू गोइंग टू ब्रिंग, अब दोस्तों गोइंग टू है ये,
यहां पर गोइंग मेन वर्ब नहीं है, ये गोइंग टू के बाद ब्रिंग ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये गोइंग टू एक रूल के रूप में यूज किया जाता है। रूल क्या? वाला वाली वाले आकर है हुए हैं, जैसे आर यू गोइंग टू ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना, क्या तुम लाने वाले हो, क्या बना वो, क्या तुम लाने वाले हो। अब आगे देखो, हाउ मच मिल्क, कितना दूध, क्वेश्चन क्या हुआ, तुम कितना दूध लाने वाले हो, तो हाउ मच मिल्क आर यू गोइंग टू ब्रिंग, तुम कितना दूध लाने वाले। आगे देखिए, हाउ मच पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी मतलब प्रसिद्धि है ना, सो हाउ मच पॉपुलैरिटी, इसको थोड़ा सा अलग कर दो, हाउ मच पॉपुलैरिटी, इसको थोड़ा अलग किया। अब आगे का देखो, डज शी वॉन्ट, कोई लड़की है, डज शी वॉन्ट, डज भी आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई है, वॉन्ट माने चाहना, उसका फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, डज शी वॉन्ट, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है, डज शी वॉन्ट, क्या वह चाहती है। अब वो क्या चाहती है, वो क्वेश्चनिंग वर्ड से समझ में आएगा, हाउ मच पॉपुलैरिटी, कितनी प्रसिद्धि, हाउ मच पॉपुलैरिटी मतलब कितनी प्रसिद्धि, डज शी वॉन्ट, वह चाहती है मतलब वह कितनी प्रसिद्धि चाहती है, मतलब वो बहुत तो फेमस है, इसके बाद भी वह कितनी प्रसिद्धि चाहती है, सो हाउ मच पॉपुलैरिटी डज शी वॉन्ट। आगे देखिएगा, हाउ मच प्रॉपर्टी, हाउ मच प्रॉपर्टी, अब ये हाउ मच प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दोस्तों अलग कर लो, हाउ मच प्रॉपर्टी, डू वी हैव नाउ, अब जरा समझना, यहां पर है डू, इंट्रोगेटिव है, डू आगे है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर हैव है, तो ये वर्ब ऑफ टू हैव का प्रेजेंट वाला पैटर्न है, पर वो पैटर्न थोड़ा अलग है, डू वी हैव नाउ, हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास अभी, यानी क्या हमारे पास अभी है, ये क्या पहले आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, क्या हमारे पास अभी है, क्या है, तो अब वो समझ में आएगा क्वेश्चनिंग वर्ड से, हाउ मच प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी संपत्ति, डू वी हैव नाउ, हमारे पास अभी है, हमारे पास अभी कितनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास अभी कितनी संपत्ति है, ये उसका मीनिंग निकला। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच शुगर, ये हाउ मच शुगर को थोड़ा अलग कर लो, हाउ मच शुगर इज देयर इन द बॉक्स, अब इज देयर इन द बॉक्स दोस्तों ये इंट्रोगेटिव है, देयर वाले फॉर्म का इज, अब देयर वाले फॉर्म में बना हुआ है, देयर से क्वेश्चन, उसमें इज आ गया हुआ है, इज देयर इन द बॉक्स, क्या बॉक्स में है, जरा समझना, क्या बॉक्स में है, अभी पूरा मीनिंग तो नहीं निकल रहा क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उससे मीनिंग निकलेगा, इज देयर इन द बॉक्स, क्या बॉक्स में है, ठीक, हाउ मच शुगर, कितनी शक्कर, तो कितनी शक्कर बॉक्स में है, मतलब बॉक्स में कितनी शक्कर है, ये पूरा उसका मीनिंग निकला, ठीक। आगे देखिए, हाउ मच फी, फी मतलब शुल्क, फीस, जो हम फीस भरते हैं ना कहीं पर, अगर हमने कोई कोचिंग ज्वाइन की, स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी कंप्यूटर सेंटर को ज्वाइन किया हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, एग्जाम की कोचिंग ज्वाइन की हो, तो उसके लिए जो हमको फी लगती है ना, वो उस फी के बारे में बात हो रही है, हाउ मच फी मतलब कितनी फी है ना। अब देखिए, शैल आई हैव टू पे फॉर द पे फॉर दिस कोर्स, शैल आई हैव टू मतलब ये मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव टू, तो उसकी जगह हम लोग आई और बी के साथ शैल हैव टू यूज करते हैं, शैल आई हैव टू पे फॉर दिस कोर्स, क्या क्या फॉर दिस कोर्स, इस कोर्स के लिए मुझे पे करना पड़ेगा, क्या मुझे इस कोर्स के लिए पे करना पड़ेगा, अब इसका कंप्लीट मीनिंग तो नहीं निकल रहा है, आगे वाले वर्ड देखते हैं, हाउ मच फी कितनी फी, मतलब मुझे कितनी फीस जमा करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा इस कोर्स के लिए, मतलब मीनिंग क्या हुआ, मुझे इस कोर्स के लिए कितनी फीस देना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, आप देखिएगा, हाउ मच के साथ मैक्सिमम आपको नाउन नजर आ रहे होंगे क्योंकि मैंने नाउन ही लिए हैं, अभी जब मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा तो उसमें बिना नाउन के भी सिखाऊंगा, तो हाउ मच मनी, अब देखिए मनी जो है ना दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता, लेकिन अगर मनी के साथ यूनिट आई, जैसे 10,000 ₹100, तो ये सैकड़ा एक यूनिट हो गई, 1,000 एक यूनिट हो गई, 10,000 एक यूनिट हो गई, 1,00,000 एक यूनिट हो गई, 1,00,00,000 एक यूनिट हो गई, अगर यूनिट वाइज आते हैं तो पैसे को गिना जा सकता है, लेकिन अगर पैसे में कोई यूनिट ना हो तो, क्योंकि पैसा दोस्तों सिर्फ रुपया पैसे को नहीं बोलते, पैसा घर है आपके पास वो भी आपकी मनी है, आपकी मतलब संपत्ति है, आपके पास कोई फार्म है, खेत है, वो भी आपकी संपत्ति है, आपके पास नॉलेज है, वो भी आपकी संपत्ति है, वो भी आपका पैसा है, इनडायरेक्ट पैसा, तो पैसा सिर्फ रुपये पैसे को नहीं बोलते, पैसा ऐसी बहुत सारी चीजों को बोलते हैं जो हमारे पास एसेट्स के रूप में है, वो भी पैसा होता है, तो इसलिए मनी को गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा देखिए, हाउ मच नॉलेज,
ये नॉलेज अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता, क्योंकि नॉलेज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप गिन सकते हो, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो। नॉलेज ऐसी चीज है जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों, हाउ मच नॉलेज, हाउ मच एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी ऐसी चीज है जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, है ना। आप इतना समझ लो कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनको अनकाउंटेबल क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है। वैसे तो मैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पर जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, लेकिन यहां शॉर्ट में समझ लीजिएगा। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसमें हम एक दो तीन चार ऐसी संख्या आगे लगाकर उसको गिन नहीं सकते। जैसे मेरे पास एक पैसे हैं, नहीं गिन सकते। दो पैसे हैं, नहीं गिन सकते। तीन पैसे हैं, नहीं गिन सकते। मेरे पास एक नॉलेज है, नहीं गिन सकते। मेरे पास दो नॉलेज है, तीन नॉलेज है। तो आप किसी भी नाउन में एक दो तीन लगाकर देखिए, अगर वो गिनने लायक है तो वो काउंटेबल। जैसे मेरे पास एक कुर्सी है तो कुर्सी को गिना जा सकता है, तो ये काउंटेबल नाउन है। मेरे पास एक दरवाजा है, गिना जा सकता है। उसके पास दो बुक्स हैं तो बुक्स को गिना जा सकता है। तुम्हारे पास दो कलर टीवी है तो कलर टीवी को गिना जा सकता है, मतलब वो गिनने लायक चीज है। लेकिन मेरे पास पांच नॉलेज है, तुम्हारे पास चार एक्सपीरियंस है, क्या इसको गिन सक रहे हैं? नहीं। तो इसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए इन सबको अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। तो हमने किया क्या, हाउ मच के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन जोड़ा और आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के क्वेश्चन बना लिए। अब हम कोशिश करेंगे समझने की कि इसमें हम क्वेश्चन कैसे सडन बना ले, तो आइए उसको समझते हैं। अब हम समझेंगे कि हाउ मच के साथ हम क्वेश्चन सडन कैसे बना सकते हैं। अगर हमें किसी से भी कम्युनिकेशन करना पड़ जाए और अगर हम हाउ मच से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो सडन कैसे बनाएं, उसकी मेथड क्या होगी। तो दोस्तों देखिए, दो तरह के हाउ मच से क्वेश्चन बनेंगे। हाउ मच के बाद नाउन आ भी सकता है और हाउ मच के बाद नाउन नहीं भी आ सकता है। जब हाउ मच के बाद नाउन आता है तो इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। जब हाउ मच के बाद कोई नाउन ना आए तो हाउ मच एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है। अब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूं कि वो क्वेश्चन फॉर्मिंग कैसे होगी। जैसे राम के पास कितना पैसा है, कितना पैसा, राम के पास कितना पैसा है, तो पहले बनाओ क्या राम के पास पैसा है, पहले इंट्रोगेटिव बनाओ। इंट्रोगेटिव क्या राम के पास है, सो डज राम हैव, क्या राम के पास है, कितना पैसा। अब कितना, ये देखो हाउ मच लिखा हमने, कितना पैसा भी आ रहा है तो लगा दो मनी। सो हाउ मच मनी डज राम हैव। जैसे मोहन, मोहन कितना कमाना चाहता है। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने कितना पैसा नहीं बोला, कितना नाम नहीं बोला, कितना कितनी शोहरत नहीं बोली, मैंने बोला मोहन कितना कमाना चाहता है। अब जरा समझना, पहले बनाओ क्या मोहन कमाना चाहता है, डज मोहन वॉन्ट टू अर्न, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मोहन कमाना चाहता है। अब मैंने बोला कितना, तो मैंने सिर्फ जोड़ दिया हाउ मच, मैंने हाउ मच मनी नहीं लिया, हाउ मच नेम या फेम नहीं लिया। देखो मैंने क्या लिया, सिर्फ हाउ मच। यहां पर जो हाउ मच मनी है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और ये हाउ मच है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो कभी कभी हाउ मच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है और कभी कभी ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है। तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी अपने साथ नाउन ला गया और कभी नहीं भी ला सकता है। सो हाउ मच डज मोहन वॉन्ट टू अर्न, मोहन कितना कमाना चाहता है। आगे देखिए, जैसे टीचर के पास कितना नॉलेज था, मैंने बोला कितना नॉलेज, हाउ मच नॉलेज, टीचर के पास कितना नॉलेज था, तो पहले बनाओ क्या टीचर के पास नॉलेज था, तो बनाया हमने हेड टीचर, क्या टीचर के पास था, सिर्फ शॉर्ट में बनाया क्या टीचर के पास था, हेड टीचर, हेड हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। कितना नॉलेज, तो हम लोगों ने बनाया हाउ मच, और नॉलेज के लिए मैंने सिर्फ के लिख दिया, हाउ मच नॉलेज हैड टीचर, टीचर के पास कितना नॉलेज था। या इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, हाउ मच नॉलेज डिड टीचर हैव, टीचर के पास कितना नॉलेज था। आगे देखिए, उसके पास कितना है, अगर मैंने सिर्फ इतना बोला उसके पास कितना है, ना तो मैं पैसे की बात कर रहा हूं, ना मैं नॉलेज की बात कर रहा हूं, ना मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, कोई भी चीज हो सकती है। उसके पास कितना है, सपोज पैसा भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है, टैलेंट भी हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में बात हो सकती है। तो उसके पास कितना है, तो पहले बनाओ क्या उसके पास है, सो बनाओ डज ही हैव, क्या उसके पास है, कितना, तो लगा दो सिर्फ हाउ मच।
सो हाउ मच डज ही हैव, उसके पास कितना है, तो ये सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है, सिंगल, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। हाउ मच डज ही हैव, उसके पास कितना है। आगे देखिए, राम कितना नॉलेज गेन करना चाहता है, राम कितना नॉलेज नहीं कितना एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, एक्सपीरियंस ले लो, राम कितना एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है। तो पहले बनाओ, क्या राम गेन करना चाहता है, क्या राम, सो डज राम वॉन्ट टू गेन, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव है, चाहता है, तापी त्या करे हुआ है, डज राम वॉन्ट टू गेन, क्या राम गेन करना चाहता है कितना एक्सपीरियंस, अब तो हाउ मच और उसके बाद एक्सपीरियंस लगा लो, हाउ मच एक्सपीरियंस डज राम वॉन्ट टू गेन, राम कितना एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है। फिर सुनिएगा, जैसे तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मैंने सिर्फ इतना बोला, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है मुझे पूछना है कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो पहले बना लो क्या तुम्हारे पास है, फिर हम जोड़ देंगे उसमें कितनी प्रॉपर्टी, क्या तुम्हारे पास है, तो बनाओ क्या तुम्हारे पास, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, डू यू हैव कितनी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को गिना नहीं जा सकता इसलिए हम लोग हाउ मच यूज करते हैं, हाउ मच प्रॉपर्टी, सो हाउ मच प्रॉपर्टी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या मोहन के, नहीं मोहन के पास कितना था, पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं, मोहन के पास कितना था, पैसा हो सकता है, देन नॉलेज हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है ना, या प्रॉपर्टी हो सकती है, मोहन के पास कितना था मतलब कितनी प्रॉपर्टी थी, तो कितना था मोहन के पास, तो कोई भी चीज हो सकती है दोस्तों। सो मोहन के पास कितना था, तो पहले बनाओ क्या मोहन के पास था, पास्ट की बात हो रही है, क्या मोहन के पास था, सो डिड मोहन हैव, क्या मोहन के पास था, अब मोहन के पास कितना था, तो सिर्फ कितना वर्ड जोड़ दो, हाउ मच, सो हाउ मच डिड मोहन हैव, मोहन के पास कितना था, तो आप देखिए यहां पर हाउ मच एक्सपीरियंस, इसमें नाउन आया है, हाउ मच प्रॉपर्टी, इसमें नाउन आया है, पर हाउ मच के बाद कोई नाउन नहीं, इसलिए पर वो भी क्वेश्चन बन गया। अब देखो, तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो, देखो क्वेश्चन है, तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो, तो पहले बनाओ क्या तुम करते हो, डू यू डू, क्या तुम करते हो, ठीक, कितना भरोसा, तो हम बोल सकते हैं हाउ मच ट्रस्ट, ये ट्रस्ट को नाउन भी बना सकते हैं यहां पर, सो हाउ मच ट्रस्ट डू यू डू मुझ पर, ऑन मी, तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो, सो हाउ मच ट्रस्ट डू यू डू ऑन मी, या फिर बोल सकते हैं क्या तुम भरोसा करते हो, डू यू ट्रस्ट ऑन मी, क्या तुम भरोसा करते हो, कितना, हाउ मच, सिर्फ हाउ मच नाउन नहीं लगा, हाउ मच डू यू ट्रस्ट ऑन मी, तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो, हाउ मच डू यू ट्रस्ट ऑन मी, या फिर हाउ मच ट्रस्ट डू यू डू ऑन मी, जैसे राम कितना कमा रहा है, मैंने सिर्फ इतना बोला राम कितना कमा रहा है, तो पहले बनाओ क्या राम कमा रहा है, इज राम अर्निंग, इज राम अर्निंग, कितना लगा दो, हाउ मच, सो हाउ मच इज राम अर्निंग, राम कितना कमा रहा है, ठीक है। अभी देखो, तुम कितनी बेवकूफी कर रहे हो, बेवकूफी इसको गिना जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, तो तुम कितनी बेवकूफी कर रहे हो, बेवकूफी मतलब दोस्तों क्या होता है, फुलिशनेस, तो तुम कितनी बेवकूफी कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो, कितनी बेवकूफी, हाउ मच, बेवकूफी को हम बोल सकते हैं फुलिशनेस, स्टूपिडिटी या इडियोसिटी, इडियट से बनता है इडियोसिटी, स्टूपिड से बनता है स्टूपिडिटी, या फिर हम लोग बना सकते हैं फुलिश से फुलिशनेस, सो हाउ मच फुलिशनेस, कितनी बेवकूफी, हाउ मच फुलिशनेस आर यू डूइंग, तुम कितनी बेवकूफी कर रहे हो। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने हाउ मच के बाद कभी कभी नाउन से भी क्वेश्चन बनाए, या हाउ मच के बाद हमने डायरेक्ट इंट्रोगेटिव भी जोड़ लिया, दोनों सिचुएशन में हाउ मच से क्वेश्चन बन सकते हैं,
ठीक है। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि हाउ मच से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो भी मैं समझा रहा हूं बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट से, इजी कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसके बावजूद अगर मुझ में किसी तरह से कोई कमी रह जाती हो समझाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज में मैं इनको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप शेयरिंग वीडियोज इन योर फ्रेंड सर्कल, फेसबुक, WhatsApp status and so on. Thank you so much.